हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपने अगर कभी भी कोई विश मांगी थी, कोई भी आपकी इच्छा थी, तो परमात्मा के तरफ से आपके लिए क्या आंसर है या फिर क्या संदेश है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं आपने उनसे मांग रखी है, वो कब तक पूरी हो सकती है? ठीक है। आपने इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो मेरा नाम है सुभस्मिता, और क्या ही बोलूं, आप अगर आए हो मेरे चैनल पे तो जरूर रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है तो। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बड़ा पसंद है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप इस टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, वो भी मैं बना दूंगी। ठीक है, तो लेट्स सी यूनिवर्स जो है या फिर भगवान जो है, क्या क्या आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरे करेंगे उनको, या फिर आपको वेट करवाएंगे। क्या सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है? मैं राशियां और डेट कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगी। यहाँ पे एरीज, सजिटेरियस, लियो है, मम्मी, मदर, वो मुझे सुनाई दिया। तो किसी का मदर से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कहीं पे मदर इन्वॉल्व है कोई बात को लेके, मदर इशू हो या फिर मदर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो इस तरीके का, मदर की वजह से ही कुछ काम बना है, या फिर मदर नहीं चाहते हैं तो कोई काम ने आप काम आपने छोड़ा है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, राशि आपकी हो सकती है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो। आप हो सकते हो एक्वेरियस, आप अर्थ साइन हो सकते हो, ये जो बोलते हैं ना साइन, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, ये वाला साइन आप हो सकते हो। आपको पावर अथॉरिटी बहुत पसंद है। ठीक है, बेसिकली पावर अथॉरिटी मतलब ये कि आपको लोग पूछे, कोई आपको पूछे, ये सारी चीजें आपको बड़ी पसंद है, और आप यही सब चीजें जो है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई स्पेसिफिक जगह पर ऐसे पहुंचो जहां पे आपको इज्जत मिले या फिर जहां पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो। ठीक है, ओके। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके लिए यहाँ पे इतनी जरूरी हो चुकी है, या तो आप करो या मरो, ये वाली परिस्थिति, ये वाली सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। तो कोई परिस्थिति को लेके आप बहुत फोकस मुझे दिख रहे हो, या फिर बहुत कुछ, कोई एक चीज को लेके बहुत काम करते हुए दिख रहे हो। मुझे आज दिन भर में मैंने बहुत जो है कुछ कार्ड्स देखे हैं, कुछ पर्सनल रीडिंग्स किए हैं, मुझे बहुत बार ये एट ऑफ वॉन्ड दिखा है, और अभी भी मुझे एट ऑफ वॉन्ड आपकी रीडिंग में भी दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सबसे पहले तो आपका मल्टीटास्किंग आप जो कर रहे हो, जो करोगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपने भगवान से ये मांगा था कि बहुत सारा चीज मांगा था, आपने एक चीज तो मांगी नहीं है, दो तीन चीजें, कुछ लोग तो जिनकी तो लिस्ट है, पांच छह चीजें लिस्ट है, तो मैं उन लोगों के स्पेशली बोलूंगी कि भगवान इतना तो आपको शक्ति दे देंगे कि आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, या फिर आप बहुत सारा काम जो है एक साथ कर पाओगे, और वो सारा काम में आपको विक्ट्री होगा, सारा काम आप जीतोगे। ठीक है, सारे काम आप अच्छे से कर लोगे। जो लोग आपको देख रहे थे, हराने की कोशिश कर रहे थे, या फिर चाह रहे थे आप हारो, लाइक आप जितने सारे एग्जाम्स दोगे हर एक एग्जाम क्रैक होगी, जितना सारा काम लोगे, स्ट्रेस लोगे, उतना ही ज्यादा आपको एक हो सकता है ना, आपके साथ चीजें अच्छी होने लगेगी। ठीक है, आपका हर एक काम बनने लगेगा। तो ओवर प्रेशर, ओवर वर्क एंड ओवर सक्सेस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस भी आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर स्पेशली जो है आप ऐसी जगह पे कुछ ट्रैवल करके जाना चाहते हो जहाँ पे आपका एक्चुअली ट्रैवलिंग है कि आप जाओ, वो देखो काम कैसा चल रहा है, वो चीज आपके लाइफ में एक बहुत टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। आपका वो काम बनेगा जहाँ पे आप स्पेशल ट्रैवल करके जाओगे, फ्लाइट से हो, ट्रेन से हो, बाइक से हो, जिस तरीके से अपने व्हीकल में हो आप जाओगे, तो वो काम आपका काफी ज्यादा, काफी हद तक सक्सेसफुल होगा। लेकिन एक चीज है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा काम है ना, तो यूनिवर्स या फिर भगवान आपको वो चीज बहुत सारा समय लेके ही देंगे, स्लो स्लो स्लो। ठीक है, आप जल्दी जल्दी आप अपना काम कर लोगे, लेकिन रिजल्ट का जब वक्त आएगा तो वो चीज थोड़ा सा टाइम लगता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो देखो आपको रेस्ट करना बहुत पसंद है। मेहनत आपका दो साइड है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके का इंसान हो, आपका एक्चुअली टू साइड है। कभी कभी आपको मेहनत करना बहुत पसंद है, आप अननोइंगली आप ये जो बोलते हैं ना कि मेरा तो होशो हवास नहीं रहा, मैं कर रही थी कर रही थी कर रहा था, इस तरीके से यू नो आई एम कंटिन्यूइंग, और पता नहीं कब करते करते इतना हो गया, तो ये चीजें कब चला मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी आप उस पर्सनालिटी में भी आते हो, और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप बैठते रहते हो और आपको चिल करनी होती है, या फिर आपको शांति चाहिए होता है, या फिर आपको वो लाइफ में ठहराव रुकावट चाहिए होता है, तो आप एक डुअल नेचर के पर्सन हो और आपको जिंदगी में दोनों चीज चाहिए। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोल दूंगी, अगर आपने भगवान से यही चीज कभी मांगा था कि आपको बेसिकली जो है आपको ब्यूटी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ब्यूटी, ठीक है, सुंदर हैंडसम वो बन जाओगे आप, आपकी स्किन, आपकी वीनस हो सकता है बहुत स्ट्रांग होने लगे, या फिर आपका वीनस बहुत ज्यादा अच्छा सिचुएशन पे आने लगे, ठीक है, तो वीनस की वजह से आपका काफी सारा जो है ग्रोथ हो जाएगा, काफी ब्यूटी, काफी बॉडी में चेंजेस, ये सब वीनस की वजह से आपके लाइफ में होने लगेगा, ठीक है। एक चीज मुझे दिख रही है कि आप जहां जाओगे, एक होती है ना कि इर्द गिर्द चाहे आग लग जाए, आपकी लाइफ में फूलों की कमी नहीं होगी, ये चीज दिख रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो आप चाहे भगवान से ये चीज को मांगो ना मांगो, लेकिन भगवान ने आपके लिए अप्रिशिएट किया है। और एक चीज है कि आप जहां भी जाओगे अपना झंडा झंडा जो है वो गाड़ के रहोगे, ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। आप अपनी नेचर, अपनी ब्यूटी, अपना दिमाग, ये सब चीज का इस्तेमाल करके, एक होती है कि जहां भी जाओगे लोग चाहे कितने भी वहां पे नेगेटिव हो, कितने भी कुछ भी कर रहे हो, आप चमक जाओगे, ठीक है। आप देख रहे होगे कि दूसरों का सिचुएशन बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन आपका किस्मत आपको इतना जरूर साथ दे देगी कि आप चमकोगे वहां पे, ठीक है। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां फूल खिलेगा, अगर मैं बिल्कुल एक साफ शब्द में या फिर मैं एक सरल भाषा में बोलूँ तो, ठीक है। और एक चीज मुझे दिख रही है, जिस चीज के लिए आप उठ पड़ के मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए चाहिए चाहिए, मेहनत भी किया है, भगवान से प्रे भी किया है, मांगा भी है रोज, वो चीज स्पेशली कोई ऐसा इंसान आपको दे जाएगा जो भगवान के द्वारा भेजा गया होगा, या फिर जिसको भगवान ने भेजा होगा आपके लाइफ में, ठीक है, कोई आएगा आपको दे जाएगा वो चीज जो अनकॉन्शियसली अननोइंगली जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर बार बार जो है उसको मांग रहे हो, ठीक है। बहुत सारे आपको टूटते हुए तारे दिख सकते हैं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो है वो लाइन बाय लाइन पूरा होना स्टार्ट होगा, जो आपने मैनिफेस्ट 11/11 पे कर लिया है, या फिर आपने कभी भी मैनिफेस्ट कर लिया है, या फिर इच्छा यूनिवर्स को बता दिया है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, आपको होपलेस नहीं होनी, होपफुल होनी है, ठीक है। आप होपलेस हो जाते हो कि मेरे से नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में मेरी किस्मत में वो चीज नहीं है, तो आप एक होपलेस इंसान की तरह हो जाते हो, लेकिन देखो सामने देखो कोई आके खड़ा हो चुका है जो आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। है हो सकता है मुझे ये ब्लेसिंग एंड पार्टनर, मुझे ये चीज सुनाई दिया, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पार्टनर मिले, ठीक है, सही इंसान, सही पार्टनर मिले जो आपको वो ब्लेसिंग के तरफ लेके जाएगा, फिर आपके साथ वो अच्छा होगा, वो आपको दिखाएगा जो आप लाइफ में खुद नहीं देख पा रहे हो, या फिर खुद फेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई इंसान भगवान भेज सकते हैं, बेसिकली ये आपको बोल रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान अभी भी आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो इंसान आते ही आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प देगा, अनएक्सपेक्टेड हेल्प देगा। आपके बाल काफी लंबे हो सकते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लॉन्ड, ये ब्लॉन्ड कलर आपने हो सकता है करवाया है, लंबे, कुछ लोगों का लंबे बाल और कुछ लोगों का जस्ट कंधे से थोड़ा नीचे, ठीक है, वो दिख रहा है मुझे। आपको ज्यादा हील्स पहनना पसंद नहीं है, पैर दुखते हैं तो आप हील्स ज्यादा नहीं पहनते हो। आप थोड़े आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो थोड़े से स्किनी हो, थोड़े से पतले हो, या फिर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, स्किनी बनने की कोशिश करो, या फिर हेल्थ कॉन्शियस हो, ठीक है, पार्लर रेगुलर जाते हो, हेल्थ आप देखते हो, सुंदर कैसे बनूं, ठीक है, ये सब चीजें आप देखते रहते हो। ब्यूटी ब्रांड्स आपको
पसंद है खरीदना, ठीक है, ये सब चीज मुझे दिख रही है, लेट इट गो, दूसरी चीज हम देखते हैं, ठीक है। फिर मुझे जो चीज दिख रही है कि आप जो है लाइफ में कहीं ना कहीं आप ये फेस करोगे, ठीक है, भगवान आपको ये दिन दिखाएंगे, ये वाला दिन मेहनत का फल मिलेगा और वो बहुत कठोर मिलेगा, ठीक है। एक चीज आप इतना तो लाइफ में गांठ बांध लो, आपको ज्यादा मेहनत करने से फल मिलती है और जो फल मिलता है वो बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत कठोरता के साथ वो फल मिलता है और आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बाद में आने लगती है साथ में। तो अपकमिंग विश जो आपकी करियर को लेके, जॉब को लेके, मनी को लेके है, वो आपका बहुत मुश्किल से पूरा हो जाएगा, ठीक है। विश वो आपने जो मांगी थी वो पूरी हो जाएगी और आप मेहनत उसके बाद भी आपको जो आप चाहते हो लाइफ में वो मिलने के बाद भी आपको मेहनत करना आपका बन नहीं होता है, आपको करनी पड़ती है, आपको भगवान को मांगनी पड़ती है, आपको भगवान को ये बोलना पड़ता है कि प्लीज मुझे दे दो और मैं उतना मेहनत करूंगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे अर्थ साइन वाले बहुत दिख रहे हैं और सन मून साइन में, मतलब अगर आपका कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो सन मून मतलब मेन जोड़ी एक साइन है या फिर चार्ट में कहीं भी डोमिनेटेड है तो इतना समझ लो आप लोग मेहनती बड़े हो, ठीक है, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप मेहनती बड़े हो, बहुत मेहनत करते हो और बहुत ही डिले आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन तगड़ा रिजल्ट मिलता है दूसरों से। एक होती है ना जो आपने सुनी होगी कि इसकी तो जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है, ठीक है, शनि आपको एक जड़ों से मजबूत ग्रोथ देता है तो राहु आपको ऊपर से ग्रोथ देता है, लाइक दिखेगा बहुत ज्यादा लेकिन जल्दी चला जाएगा वो ग्रोथ, ठीक है। तो आपको वो वही ब्लेस मिलेगा, जड़ों से मजबूत वाला प्लस आपको मिलेगा, आप वो चीज एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। बेसिकली जो जितना ग्रेट सक्सेस आपको मिलेगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आने वाली है, ठीक है, जितना आपको पैसा मिलेगा उतना काम भी आपके लिए आने वाला है, जितना आप अथॉरिटी मिलेगा, जितना इंपॉर्टेंस मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो बी रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आ रहा है उसको करने के लिए रेडी रहो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपकी इच्छाओं के ही कॉन्सिक्वेंसेस है कि जो आपने मांगी थी वो आपको मिलेगा, उसके साथ साथ दो चार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हो नहीं जिसको अगर लग्जरी लाइफ ना मिली तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आप वैसे इंसान नहीं हो, आप जैसे तैसे में चला लेते हो, ठीक है, जो है पहन लेते हैं, अगर स्टाइलिश मिल गया पहन लेते हैं, अगर नहीं है तो नो इश्यू, जो है पहन लेते हैं, अगर अच्छा मिल गया तो खा लेते हैं, खाने की थोड़ी शौकीन हो अच्छा खाने का, लेकिन अगर नहीं है तो चला लेते हो, आप वैसे इंसान नहीं हो जो बस बैठ जाते हो यही मुझे चाहिए यही नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, नहीं, आपका माइंडसेट बहुत एडजस्टिंग है, आप इसको कर लेते हो, इसीलिए लोगों को आपसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग उल्टा आपको अप्रिशिएट करते हैं कि वो आई थी ना या फिर वो आया था ना उसने बहुत ये चीज किया है अच्छा, ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ पे कि आपने जो लाइफ में कहीं जाके कुछ एडजस्ट किया है या फिर किसी के साथ कुछ अच्छा किया है, एक तो आपको कहीं अनएक्सपेक्टेडली अप्रिसिएशन मिल जाएगा, आप सुनने के लिए सुनोगे नहीं लेकिन आपके साथ वो चीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, नेक्स्ट जो चीज मुझे दिख रही है कि देखो आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर बहुत काम करोगे, ठीक है, आप अपनी रोना धोना को, आप अपने किसी के सामने अपना दर्द दिखाने को आप बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करोगे, ठीक है। आप वैसे भी आप हो एक इंसान जिसको धीरे धीरे पता चलने लगा है कि लाइफ में किसी के सामने रोने धोने से हमको कोई वो बड़ा वाला चीयरअप नहीं मिलता है, लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन स्लोली स्टडीली आपको वो चीज और ज्यादा रियलाइज होने लगेगा। और देखो आप कुछ चीजें छुपाओगे, ठीक है, ये कितना रेजोनेट करेगा मुझे बताना, अभी भी आप कुछ लोगों से कुछ चीजें छुपा रहे हो और आने वाले टाइम में भी आपने डिसाइड किया है कि कुछ लोगों से कुछ चीजें छुपाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बताऊं अपनी हर एक सीक्रेट, लोग तो मेरे को वो नहीं करते हैं ना, लोग तो मेरे को बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो आप किसी के साथ तो सीक्रेट अपना शेयर नहीं करने वाले हो, कुछ पता होगा लेकिन आप फिर भी नहीं बोलोगे, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज मुझे दिख रही है नंबर 4, और अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यहाँ मुझे एक दिख रही है कि
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दो चीज का मिलेगा, ठीक है? एक नहीं, दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। दो दो काम आप करोगे, दो दो चीजों में हाथ डालोगे, और दोनों की दोनों चीजों में सक्सेस मिलेगा। दोनों बहुत अलग काम होंगे और बैलेंस करोगे लाइफ में, ठीक है? सो यूनिवर्स को अगर आपने दो तीन बड़े ही ऐसी चीज मांगी थी जो यूनिक हो, वो मिल जाएगा, और आप बहुत ब्यूटीफुली उसको हैंडल करने लगोगे, ठीक है? पावरफुल लोगों की एक पहचान होती है कि वो अकेले रहना बड़ा पसंद करते हैं, या फिर स्पिरिचुअल लोगों को भी एक पहचान होती है कि वो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, और उससे ही उनको बहुत सारी लाइफ से रिलेटेड आइडियाज मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इंसान है, एक वॉरियर है, उसकी कितनी लाइक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जैसी ड्रेस उसने पहन रखी है, हाथ में बड़ा सा स्वॉर्ड पकड़ रखा है फॉर द प्रोटेक्शन। एक्सपीरियंस इंसान है, रेगिस्तान में खड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कुछ तो यहाँ पे छोटा सा हथियार उसने छुपा के रखा है जो सही वक्त पे काम आएगा, लाइक वेटिंग। आप जो है, आपको पता है कि लाइफ में इन फ्यूचर क्या आ सकता है, क्योंकि आपने इतनी लाइफ देख ली है, करेक्ट? तो आपको पता है कि लाइफ में, फ्यूचर में क्या आ सकता है, क्या हो सकता है मेरे साथ, ठीक है? तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे, मैं निस्संदेह यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप जो है बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो कि क्या आ रहा है लाइफ में, आने दो, व्हाट इज नेक्स्ट। आपने शायद कुछ ही दिनों में भगवान से यही प्रे किया होगा कि जो भगवान आए, मुझे हिम्मत दो, बस उसको मैं फेस कर पाऊँ। वो चाहे अच्छा आए, बुरा तो ना आए, लेकिन अच्छा आए, कैसा भी आए, मैं उसको हिम्मत करके फेस कर पाऊँ। यू आर रेडी टू फाइट, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान हो जो फाइट करने के लिए, फाइट बैक देने के लिए रेडी खड़े हो, ठीक है? अभी तक मैं बोली नहीं हूं, लेकिन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप देख रहे हो अभी तक रीडिंग, तो काइंडली लाइक द वीडियो, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 9 दिख रही है मुझे, ठीक है? ओके, इसके साथ मैं कार्ड निकालती हूँ, मन हुआ इसको क्लैरिफाई करने के लिए। स्टक हो जहां पे भी, ठीक है? जहां पे भी स्टक हो लाइफ में, वक्त आ गया है वहां से निकलने का। फैमिली फैमिली में स्टक हो, फैमिली की वजह से कहीं पर अटक गए हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, फैमिली का देख के रुक रहे हो, या फिर आपको कुछ चीजें लगता है कि ये सही है वो गलत है, राइट रॉन्ग में फंस चुके हो, इस तरीके से कुछ आप हो, जहां पे आपको दिख तो रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर नहीं भी दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक बार अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, अपने दिल की सुनने की कोशिश करोगे, तो आप निकल जाओगे उस चीज से जहां पे स्टक हो, और आप देखो, आप उस चीज को मेहनत करो ना करो, आप निकल जाओगे, ठीक है? कहीं पे मुझे आपका, किसी का तो ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट ही हो जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ही हो जाओगे, और ये शिफ्ट आपके लाइफ में नन अदर देन हमारे भगवान ही करवाएंगे। जिन भगवान को आप मानते हो, जिनको आप पूजते हो, वही आपको लाइफ में एक जगह पे शिफ्ट करवा देंगे। वो आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपके लिए सिर्फ सपोर्टर्स होंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ सपोर्ट मिलता होगा, या फिर जहाँ पे लोग आपके साथ सिर्फ अच्छे होंगे। ये जो दो मुंह लोग है ना, अच्छा बुरा बनने की कोशिश करते हैं, वो कोई होगा ही नहीं वहां पे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। बी योर सेल्फ, ओके। तो यहाँ पे मैं मैसेज पढ़ रही थी, यहाँ पे ये मैसेज है कि खुद के जैसा रहो, दूसरे को फॉलो नहीं करना है आपको, किसी और के जैसा आपको नहीं बनना है, कभी दिमाग में लाना भी नहीं है कि मुझे इस इंसान जैसे बनना है, ठीक है? आपको हमेशा दिमाग में यही लाना है कि मैं डिफरेंट हूँ, मुझे अपने जैसा बनना है, लोगों को मुझे अपने जैसा बना देना है, ठीक है? तो आप आगे भी वही सिचुएशन करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पक्के इंसान हो,
ठीक है, आप ऐसे इंसान हो कि आप दूसरों को फॉलो करना पसंद नहीं करते हो, आप अपनी बात खुद बनाते हो, आपकी सनमोन लायन लायन मतलब ये कि लिए हो सकती है, ठीक है, तो आप अपने में रहते हो या फिर लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, और यही चीज आपको लाइफ में आगे पावर देगा, नेम फेम देगा, एक्शन आपकी इसी चीज की वजह से होगा, ठीक है, लोग आपको आपके नाम से पहचानने वाले हैं, उसके जैसा ऐसे बने वैसे नहीं, खुद के नाम से, ठीक है, बस जो कर रहे हो खुद के नाम से, जो अकेले कर रहे हो उसको करने दो, करते रहो, ठीक है, शायद भगवान आपको लेके चल रहे हैं अपनी एक यूनिक कैरेक्टर आप बनाओ। नेक्स्ट है, जो भी चीज आप कर रहे हो उसके लिए आपको और भी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो या फिर कोई भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, आपको बस यही मैंने दो कार निकाला कि प्रैक्टिस क्यों, क्योंकि आपकी जो डिजायर से आपकी जो इच्छा है बस मिलने वाली, बस उसको पाने वाली, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर आप डेली एक चीज को प्रैक्टिस करते हो, डेली एक ही चीज को करते हो, अपनी स्किल पॉलिश करते हो, अपनी नॉलेज, लाइक अगर आप सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, जॉब के लिए ट्राई करते हो, कोई भी काम आपका है, ठीक है, वट एवर आपका कोई भी काम है, कुकिंग वगैरह, ठीक है, आपको डेली और उसके ऊपर टाइम देना है, समय खर्च करना है, आप समय को खर्च करोगे तो आपके लिए रिटर्न में वही आएगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है, आपकी फेवर में सारा कुछ काम कर रहा है, बस आपको ये होती है ना कि यूनिवर्स कभी कभी बताता है कि बस मैं तो तु, मुझे तो थोड़ा और जो है तुमको तो थोड़ा और जो है मेहनत करनी है, फिर उसके बाद ये चीज मिल जाएगी, तो ये मैसेज आपके लिए वही लेके आ रही है कि थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और कर लो, फेथ रख लो, मिल जाएगा तुम्हें, अब जो फेथ तुम्हारा जो डिलीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उसको वो मत करो, कम मत किया करो, बिलीव रखा करो। नेक्स्ट अफर्मेशन अगर आपके लिए क्या है या फिर नेक्स्ट आपके लिए क्या विश है देख लेते हैं। आई एम अलाउड टू टेक टाइम टू हील। हील होने के लिए अगर समय ले रही हो तो अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, किसी ने हर्ट किया है, कोई चीज को भूलने के लिए समय ले रहे हो, कोई चीज से हताश निराश हो चुके हो उसको भूलने के लिए समय ले रहे हो, तो लो, आम बात है, नॉर्मल चीज है, ये कभी भी मत सोचो कि मैं दूसरों से अलग हूँ क्योंकि मैं टाइम ले रही हूँ, आप हो अलग, ठीक है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, माई लाइफ इज अ गिफ्ट एंड आई अप्रिशिएट एवरीथिंग एज आई हैव, ठीक है, तो आपको आज अफर्मेशन लिखना है, आई अप्रिशिएट एवरीथिंग आई हैव, ठीक है, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त है उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि लोगों के पास उतना भी नहीं है, तो आपको ये अफर्मेशन डालनी है कि आपकी जिंदगी एक गिफ्ट है, आपको ये लिखना है कि आई अप्रिशिएट एवरीथिंग आई हैव, इसको जरूर लिखो, ठीक है, और खुद को अलाउ करो, खुद की मेंटालिटी को अलाउ करो टू हील, जो भी है प्रॉब्लम है उसको भूलने की और साथ में हील होने का, ठीक है, तो दैट्स इट, अपने आप को ब्लॉक मत करो यार, बांध के मत रखो, ठीक है, जीवन इतनी छोटी सी लाइफ में इतना स्ट्रेस मत दो, बांध के मत रखो, पिंपल्स मत निकालो अपने फेस पे, ठीक है, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे, जय भोलेनाथ।